हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू tegunity.com। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो हर एक डायरेक्ट सेलर को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और पैरामिड स्कीम्स के बीच के 6 मेजर डिफरेंसेस को जान पाएंगे। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, YouTube पर सर्च कीजिए Tegunity Academy, जो कि हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। Tegunity Academy YouTube चैनल पर आप डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड सभी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करते हुए भी आप इंग्लिश वर्जन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो भी बातें बताने जा रहे हैं, उन सभी बातों के जरिए आप डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से पता लगा पाएंगे, ताकि आप अपना और इस वीडियो को शेयर करते हुए बाकी सभी लोगों का भी बचाव कर पाएं चिट फंड कंपनीज और फ्रॉड्स से। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स को, ताकि उनके डायरेक्ट सेलर्स उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सकें बहुत ही आसानी से और तरीके से भी। एंड सेकेंड पॉइंट इज स्टार्टर किट। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टार्टर किट भी प्रोवाइड करती है, वो भी बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर, ताकि जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में जाए तो उसके पास सारे बिजनेस के टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि कैटलॉग, ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म वगैरह वगैरह। थर्ड पॉइंट पर है यूजेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि यूजर एंड हो, यानी कस्टमर्स के लिए यूजफुल हो और वैल्यू फॉर मनी भी हो, ना कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ वन टाइम में यूज होते हो। फोर्थ पॉइंट इज बायबैक पॉलिसी। ये तो हर किसी को जानना चाहिए, हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने न्यू कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बायबैक पॉलिसी भी ऑफर करती है, लाइक 30 डेज मनी बैक गारंटी। अगर प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप उन्हें कंपनी को रिटर्न भी कर सकते हैं, बट आप जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं उस कंपनी के ज्वाइनिंग फॉर्म पर बायबैक पॉलिसी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज्वाइनिंग फॉर्म के अंदर मेंशन होनी चाहिए। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, जो कि है बिजनेस वॉल्यूम। अब जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम करते होंगे वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने हर प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ पॉइंट वॉल्यूम्स अलॉट करती है, जो आपको प्रोडक्ट के सेल होने पर मिलते हैं, फिर चाहे वो आपने खुद ने सेल किए हो या फिर आपके टीम मेंबर किसी ने किया हो, और इन्हीं पॉइंट वॉल्यूम्स के बिहाफ पर आप सभी का पेआउट कैलकुलेट होता है। नाउ लास्ट सिक्स्थ पॉइंट इज टाइम ड्यूरेशन। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी व्यक्ति को कोई भी लालच देकर ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करती है, जैसे कि अगर आपने आज ज्वाइन कर लिया तो आपका इतना फायदा हो जाएगा और आपकी इतनी बड़ी टीम बन जाएगी वगैरह वगैरह, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आपको पूरा समय देती है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आज है वही आने वाले कल में भी रहेगी। बस अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन कब लेते हैं कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, राइट? तो ये थी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की बात। अब बात करते हैं पिरामिड स्कीम्स के बारे में। पिरामिड स्कीम यानी इलीगल तरीके से अलग अलग लोगों से पैसे को इन्वेस्ट करवाना, जिसमें सबसे पहला है फेक प्रॉमिसेस। पिरामिड स्कीम्स में अक्सर लोग एक दूसरे को ये कहकर ज्वाइन करवाते हैं कि आपका बस अगले 3 से 4 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, और अगर आप औरों को भी ज्वाइन करवाते हैं तो वो आपकी अलग इनकम होगी। जबकि ऐसा लालच देकर ज्वाइन करवाना बहुत ही गलत बात है, और ऐसे लालच में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी लॉस करवाते हैं। और इस तरह के फेक प्रॉमिसेस अगर कोई आपसे कर रहा है तो मतलब वो आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ मनी मेकिंग मशीन, क्योंकि यहाँ पे पैसे डबल नहीं किए जाते। इट इज अ बिजनेस ऑफ परसिस्टेंस। सेकेंड इज बिजनेस ऑफ रिक्रूटिंग। पिरामिड स्कीम्स का ये सबसे बड़ा झूठ है। पैसा डबल करने वाली कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाती है और कहती है ये बिजनेस लोगों का ही बिजनेस है, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी, और ऐसा करके वो एक बड़ा फंड कलेक्ट करते हैं और कुछ ही समय में कंपनी को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बदनामी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ही होती है।
नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज नॉन वर्किंग इनकम. आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है और काफी लोग कुछ ऐसे ही लालच में आकर एक गलत कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं और अपने साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों का भी नुकसान करवा देते हैं. अगर कोई भी कंपनी आपको ये कहती है कि आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ना कोई प्रोडक्ट सेल करने हैं, ना ही किसी सर्विसेज को बेचना है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिजनेस वॉल्यूम्स जनरेट करने पर ही किसी को पे आउट्स देती है और बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आगे सेल करने से. राइट, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज बिग इन्वेस्टमेंट. पिरामिड स्कीम्स में आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, ये बोलकर कि आपको फिर अपनी ना तो टीम बनाने की जरूरत है और ना ही आपको कोई और प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत है. आपको बस हर वीक आराम से घर बैठे पैसे आने लगेंगे और वो आपको आपके पैसे की कोई भी रिफंड पॉलिसी के बारे में भी नहीं बताते हैं. ऐसा बोलकर अगर आपको कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करवा रहा है तो आप उनसे अवेयर रहिए, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाती है और ना ही इन्वेस्टमेंट पर कोई रिटर्न देती है. Now come to the fifth point, that is time duration. जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, जब भी आपके पास कोई भी मनी इन्वेस्टमेंट यानी पिरामिड स्कीम का ऑफर लेकर आए, वो आपको बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन देगा, ये बोलकर कि अगर आपने लेट करा तो आपका ये लॉस हो जाएगा या फिर आपको ये पोजीशन नहीं मिलेगी और ये पोजीशन किसी और को मिल जाएगी, तो आप जल्दी करें और अभी पैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए. आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करती है जो फर्स्ट कम फर्स्ट पर फोकस करती हो. सो बी अवेयर ऑफ दैट. नाउ लास्ट सिक्स्थ पॉइंट इज पीपल फेसेस लॉसेस इन द एंड. आपको ऐसे काफी लोग मिलेंगे जिनका कहना होगा कि मैंने भी किसी कंपनी में पैसा लगाया था और वो कंपनी भाग गई या फिर दिवालिया हो गई, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है. बेसिकली पिरामिड स्कीम्स शॉर्ट टर्म बेस्ड होती हैं, क्योंकि वो लोगों के पैसे लेती है और वही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसकी वजह से एक टाइम बाद वो लायबिलिटीज के अंदर डूब जाती है और लोगों को पैसे देने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचता है. इस सिचुएशन में लॉस सबसे नीचे वाले लोगों का होता है जिन्होंने कंपनी को सिर्फ 3 से 4 महीने पहले ही ज्वाइन किया होता है या फिर उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, और सबसे ज्यादा लॉस उन्हीं लोगों को झेलना पड़ता है. और आज काफी लोग डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर बहुत ही बड़ा बड़ा नुकसान करवा रहे हैं लोगों का. इन सभी बातों से एक बात तो सीधी सभी को समझ में आ जानी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आपको सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइड करवाती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म काम आती है, और वही पिरामिड स्कीम्स आपको लालच देकर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही दिखाती है और उन्हें ग्रैब करने के लिए आपको अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है. देखिए, लालच देना तो गलत है ही, लेकिन लालच में आ जाना उससे भी बड़ी गलत बात है. तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम्स के बीच. आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि इन 6 मेजर डिफरेंसेस के अलावा भी कोई और अंतर हैं जो आपने देखे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, तो उन्हें हमारे साथ कमेंट करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा. और इसी के साथ अंत में हमारा एक सजेशन है आप सभी के लिए कि अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं जो भी आप यूज करते हो, क्योंकि उन पर आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट्स जरूर मिलती रहेंगी. हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. और अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं. और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके साथ आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं. तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी टैप कीजिएगा. सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tagunity.com. जल्द मिलते हैं आपसे एक इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ. टिल देन अलविदा, जय हिंद.